नेतन्याहू के नए ऐलान ने पूरी दुनिया को नई चिंता में डाल दिया और चिंता है परमाणु युद्ध की। जी हां, नेतन्याहू ने ललकारा है और यह कहा है कि परमाणु शक्ति पर वो प्रहार कर सकते हैं ईरान के। क्या कहा है नेतन्याहू ने और इसके मतलब क्या है, इसका प्रभाव क्या हो सकता है, करेंगे इस पर बात। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा। तो अरब में महायुद्ध का ट्रिगर किसी भी वक्त दब सकता है क्योंकि पहली बार नेतन्याहू ने खुले तौर पर ऐलान किया है कि वो ईरान में कहीं भी पहुंच सकते हैं और उनकी सेना के निशाने पर ईरान के परमाणु ठिकाने हैं। तो खामनेई की तरफ से भी युद्ध के उद्घोष के संकेत मिल रहे हैं। दावा है कि सुप्रीम लीडर के आदेश पर इसराइल में 12 ठिकानों की लिस्ट तैयार कर ली गई। उधर इजरायली फोर्स हिजबुल्ला से 3 मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ रही है। आईडीएफ ने लेबनान के साथ साथ सीरिया में भी हिजबुल्ला के ठिकानों को ध्वस्त किया। जवाब हिजबुल्ला की तरफ से भी मिल रहा है आईडीएफ को। लेबनान से इसराइल के हाइफा और इलाट इलाकों में रॉकेट से प्रहार किया गया। और देखिए बड़ी खबर इस वक्त की, इसराइल की 2 मोर्चों पर जंग, लेबनान के साथ सीरिया में भी बमबारी। आईडीएफ ने सीरिया में हवाई हमला किया। हिजबुल्ला के रेडवान ब्रिगेड पर सीरिया में अटैक किया गया। ये देखिए आप तस्वीर, सैन्य डिपो और कमांड सेंटर में तबाही की तस्वीर आप देख पा रहे। तो एक तरफ आईडीएफ की तरफ से लेबनान में युद्ध और दूसरी तरफ अब सीरिया भी जो मोर्चा है वो सुलगा दिया है आईडीएफ की तरफ से। यहां पर जो हिजबुल्ला की एडवांस फोर्स है उस पर हमला किया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने, सैन्य डिपो और कमांड सेंटर बताया जा रहा है एडवांस फोर्स का सीरिया में, जिस पर अटैक किया गया आईडीएफ की तरफ से। और सीरिया के होम्स में विनाशक प्रहार, इसराइल ने लड़ाकू विमानों से गिराए बम हिजबुल्ला के ठिकानों को बनाया है निशाना। सीरिया से लेबनान पहुंच रहे थे हथियार और अल कुसैर में 5 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। तो हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया गया। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये हमले किए गए हैं। इसराइल ने लड़ाकू विमानों से बम गिराए हैं और उसके बाद कितना जबरदस्त धमाका हुआ है। अल कुसैर में 5 लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है इस हमले के बाद। और लेबनान से बड़ी खबर, लेबनान में इसराइल के हमले लगातार जारी है। इसराइल डिफेंस फोर्स की बेरूत में विनाशक बमबारी, इसराइली विमानों ने यहां पर बम बरसाए हैं, हिजबुल्ला के ठिकानों पर अटैक किया गया। यह देखिए तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। दक्षिण लेबनान में विनाशक प्रहार, तायरे के पास अल होश में भीषण बमबारी, इसराइल ने लड़ाकू विमानों से बम गिराए हैं, हिजबुल्ला के ठिकानों को बनाया है निशान। हिजबुल्ला के ठिकाने जिनको टारगेट किया गया, ये तस्वीरें आप देखिए, इसराइल के लड़ाकू विमानों ने बॉम्बिंग की है यहां पर तायरे के पास अल होश का इलाका जहां पर यह भीषण बमबारी की गई है। इसराइल के फाइटर विमानों ने, लड़ाकू विमानों ने ये बम बरसाए हैं, हिजबुल्ला के ठिकानों को तबाह कर दिया है। और देखिए एक और बड़ी खबर, इसराइल का तायरे में बड़ा हमला हुआ है। ट्रक और एम्बुलेंस को निशाना बनाया गया इसराइल की तरफ से। जोरदार धमाके से ट्रक के कैसे परखच्चे उड़ गए, ये देखिए आप, ट्रक और एम्बुलेंस को टायरे इलाके में कैसे निशाना बनाया गया और ट्रक और एम्बुलेंस के कैसे परखच्चे उड़ गए, ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो इसराइल और हिजबुल्ला के बीच चल रही जंग पर आपको 24 घंटे की वॉर रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर 24 घंटे में क्या क्या हुआ है, कहां कहां किस तरह से ये हमले हुए हैं। तो जहां हिजबुल्ला वहां पर ये हमले किए जा रहे हैं, यानी हर हिजबुल्ला के ठिकाने को टारगेट किए जा रहे हैं। ये देखिए कहां कहां हमला हुआ है। तो सीरिया और लेबनान में ये हमले किए गए हैं। सबसे पहले सीरिया की बात करते हैं, होम्स में हवाई हमले किए गए और हिजबुल्ला के कमांड सेंटर पर बमबारी की गई। और इसके अलावा अगर लेबनान की बात करें तो यहां पर तायरे और दाहिया में अटैक किया गया और हिजबुल्ला के जो ठिकाने हैं वहां पर बारूदी प्रहार किया गया। तो ये आपको जानकारी दे रहे, कई इमारतों के नुकसान की खबर है। कहां पर? अल होश इलाके में, जहां पर स्ट्राइक की गई, यानी कि लेबनान में अल होश इलाका भी है, वहां पर भी हवाई हमला किया गया।
और 24 घंटे में क्या हुआ है, 24 घंटे में 45 लोगों की मौत हुई है। टारगेट पर हथियार डिपो रहे, कमांड सेंटर रहा, अंडरग्राउंड ठिकाने रहे, इन सबको टारगेट किया गया। 24 घंटे में ये सारे हमले किए गए। अब जरूरी बात आप यहां पर समझिए, जवाब में हिजबुल्ला ने भी रॉकेट से हमला किया है, जवाबी कार्रवाई, रिटेलिएशन लगातार हम देख रहे हैं कैसे वो इसराइल के खिलाफ कर रहा है। तो ये इस वक्त जो हालात हैं वो बने हुए हैं। सीरिया की बात करें, लेबनान, क्योंकि अब सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि सीरिया में भी हमलों को अंजाम दिया गया है। हमारे साथ जो खास मेहमान है हम उनका रुख करते हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें, मेजर जनरल संजय सोई सर, एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रिगेडियर सरदेंदु सर इस वक्त हमारे साथ एज अ डिफेंस एक्सपर्ट। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर हमारे साथ एज अ डिफेंस एक्सपर्ट है। और जोई के त्रिपाठी सर जो पूर्व राजदूत है वो इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले संजय सोई सर, आपका मैं रुख करना चाहूंगा, हालात को समझना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि हमले लगातार या तो हमास के खिलाफ हो रहे थे या फिर लेबनान के अंदर हमलों को अंजाम दिया जा रहा था। ये जो वॉर का दायरा, युद्ध का दायरा है, वो सीरिया में हमलों के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या सिचुएशन आप बिल्डअप होती हुई देख रहे हैं? सही कह रहे हैं आप कि दायरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पहले हम देख रहे हैं गाज़ा में ही खाली सीमित था, फिर लेबनान पर काफ़ी हमले शुरू हो गए, लेबनान पर हमले अभी भी जारी हैं, गाज़ा में तो जिसको हम कहते हैं मॉपिंग अप चल रहा है, अभी थोड़ा सा छोटी मोटी सफाई चल रही है। सीरिया में हमलों का मेन कारण है कि यहाँ से एक तो उनको हिजबुल्ला को लगातार सप्लाई का, हथियारों की सप्लाई मिल रही थी, जो ईरान के द्वारा जो रूट था वो सीरिया के होते हुए लेबनान में जा रहा था, जो कि उनको लड़ने की क्षमता को लगातार बरकरार रखे हुए था। देखा जाए तो जिस प्रकार से ईरान ने, इसराइल ने हमले किए हैं बेरूत में, दाहिया में और बाकी जगह और दक्षिण लेबनान में, वहाँ पर उन्होंने हथियारों के काफ़ी जखीरे इनके बर्बाद कर दिए, काफ़ी रॉकेट के लॉन्च साइट्स पर भी अटैक करके उनको बर्बाद किया। तो बड़ा ज़रूरी है कि इनको लगातार सप्लाई आती रहे पीछे से। तो यही कारण है कि जो सीरिया में हमले हैं, ये इनकी जो वहाँ पे इनके अम्यूनिशन डंप थे, जो सप्लाई पीछे से आ रही थी उसको बर्बाद करें, साथ साथ वहाँ पे जो इस्लामिक फ्रंट की जो बेसिस है वहाँ से भी इसराइल के ऊपर कई बार रॉकेट अटैक होने का खतरा होता था, अटैक होते थे, उनके ऊपर भी ये लोग हमला करके उधर से भी खतरे को दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरह से देखा जाए, समरी में बताना चाहूँगा कि अल्टीमेटली हिजबुल्ला के लड़ने की क्षमता को कम करते जा रहे हैं ताकि उनका रेजिस्टेंस कम हो जाए, इनके लीडरशिप मार दिए हैं, इनका कम्युनिकेशन ख़त्म कर दिया है, टनल्स के अंदर जो लड़ाई हो रही है उसमें इजरायली सेना को काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है हमास के द्वारा युद्ध करने में। हमने देखा कि अभी टनल के अंदर भी काफ़ी सक्सेसफुली वो लोग ऑपरेशन आगे बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन ये ग्राउंड ऑपरेशन धीरे है और एयर ऑपरेशन इनके काफ़ी इफेक्टिव हो रहे हैं। करुणा जी, बिल्कुल, ये सारे ऑपरेशंस को लेकर एक चीज़ तो तय है कि इसराइल कहीं भी रुकने को तैयार नहीं है और एक तरीके से रिलेंटलेस ये हमले लगातार चल रहे हैं। और इस बीच देखिए, बेरूत में इसराइल के हमले जारी हैं, दाहिया इलाके में भीषण बमबारी की गई है, ज़बरदस्त हमले किए गए दाहिया में, जो खबर और तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। IDF के फाइटर जेट्स ने ये बॉम्बिंग की है, ये बमबारी की है और इसराइली हमले में धुआं हुआ दाहिया में ये हमले किए गए हैं और IDF के लड़ाकू विमानों ने ये बम बरसाया है। दाहिया के इलाकों में ज़बरदस्त नुकसान हुआ है, तस्वीरें देखिए आप जब ये हमले हुए थे दाहिया में। और एक और बड़ी खबर, इसराइल का हिजबुल्ला पर एक और बड़ा हमला हुआ है, तारे के अल हाउस में हवाई हमला किया गया IDF लड़ाकू विमानों से, ये भीषण बमबारी की। ये देखिए, लेबनान का तायर इलाका जहां पर इसराइल की तरफ से तारे के अल हाउस में हवाई हमला किया गया, जरा आप आवाज सुनिए किस तरह से धमाकों की आवाज से गूंज उठा तारे का शहर, सुनिए आप। और ईरान पर फिर हमला कर सकता है इसराइल। जी हां, बेंजामिन नेतन्याहू की ईरान को सीधी धमकी, ईरान के परमाणु हथियारों पर हमारी नजर, ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकेंगे। तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, परमाणु हथियारों को लेकर यह बड़ा बयान आया है बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से और कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से हम रोकेंगे। तो नेतन्याहू ने क्या कहा और उनके बयान के मायने क्या हैं, वो हम आपको समझाते हैं। तो नेतन्याहू की ललकार, ईरान का एटमी संहार, बड़ी बात है। सबसे पहले, ईरान में इसराइल के टारगेट फिक्स हो चुके हैं, टारगेट पर ईरान के परमाणु ठिकाने भी हैं,
नेतन्याहू की 5 धमकियां क्या हैं ईरान को। पहला धमकी नंबर 1, जरूरत पड़ने पर ईरान में कहीं भी पहुंच सकते हैं। नंबर 2, आईडीएफ और सुरक्षा बलों ने टारगेट फिक्स कर लिए। नंबर 3, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना हमारा मकसद है, ये कहा नेतन्याहू ने। नंबर 4, लक्ष्य से हम न हटे हैं और न हटेंगे। और नंबर 5, ईरान को जवाब देने के लिए हम पहले से ज्यादा स्वतंत्र हैं, हमारे पास ज्यादा अधिकार हैं, ये संकेत दे रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, ये सबसे बड़ी दुनिया की चिंता है। ब्रिगेडियर शरदेंदु, इन धमकियों को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इसराइल नेतन्याहू की तरफ से जो जो कहा गया है वो किया नहीं गया बल्कि उससे आगे जाकर उन्होंने किया है। देखिए, इसराइल में जिस तरीके से बयान आ रहे हैं उसमें अगर ईरान को सब्सटेंशियल डैमेज करना है तो उसका अल्टरनेटिव यही है कि आपको उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को टारगेट करना पड़ेगा। जब तक आप मिलिट्री टारगेट को टारगेट करते हैं या डिफेंस वॉर वेजिंग मशीनरी को हिट करते हैं तो वो फिर से बना ली जाती है, उसकी रिकवरेबिलिटी है। वो अगर बिल्डिंग गिरी तो बन जाएगी है, हथियारों को नुकसान पहुँचा तो फिर से प्रोडक्शन हो जाएगा या उनको अपने मदद वाले कंट्री से मंगाया जा सकता है। लेकिन इसराइल का जो वो ईरान को पूरी तरीके से ध्वस्त करना चाहता है तो उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को टारगेट करना पड़ेगा। यही एम अमेरिका का है, यही एम इसराइल का है। जब तक ये नहीं होता है तब तक ईरान पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ईरान भी टाइम टू टाइम इसराइल को धमकी देता है कि आपके 12 टारगेट हमने सुनिश्चित कर रखे हैं, आपको इस बार बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आज की डेट में इसराइल और ईरान के बीच में एक तरीके का स्टेटमेंट वॉरफेयर चल रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा डैमेज अभी तक ना तो इसराइल ने किया है ना ही ईरान ने किया है। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर किसी भी तरीके की स्ट्राइक होती है तो वो डिफरेंट लेवल पे जाएगा। आज की डेट में इसराइल जो है वो वॉर ऑफ अनइक्वल लड़ रहा है, यानी एक तरफ हमास और हिजबुल्ला को तो वो आराम से उनको पीस मील में डिस्ट्रॉय करता चला जा रहा है, क्योंकि उनके पास एयर डिफेंस नहीं है, एरियल वेपन नहीं है, उनके क्रूड मिसाइल उनको वो आराम से ध्वस्त कर देता है। लेकिन जब वो एक कंट्री के अगेंस्ट ऑपरेशन लॉन्च करेगा, ईरान जिसके पास एयर डिफेंस सिस्टम भी है और अनडिक्लेयर न्यूक्लियर पावर भी है, तो उसके क्या रिजल्ट होंगे इसका एनालिसिस बेंजामिन नेतन्याहू को करना पड़ेगा। ये सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं रहेगा, उसमें देखिए नॉर्थ कोरिया भी आ सकता है, रशिया भी आ सकता है, चाइना भी आ सकता है। लिहाजा इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखें। अगर आप उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को हिट करते हैं तो डेफिनेटली मिडिल ईस्ट का जो वॉर है वो डिफरेंट लेवल पे जाएगा। हो सकता है तमाम फेंस सिटर जो आज की डेट में इसराइल के साथ खड़े हैं मुस्लिम सेंटिमेंट की वजह से ईरान के साथ आ जाए, और ईरान यही चाहता है। जब पूरा मिडिल ईस्ट उनके साथ आ जाएगा तो इसराइल को ख़त्म करने में आसानी होगी, वो अमेरिका से भी मोर्चा ले सकता है और साथ में अमेरिका के जितने मिलिट्री बेसेस हैं उनको भी क्षति पहुंच सकती। तो ओवरऑल वॉर एक डिफरेंट लेवल पे चला जाएगा। हो सकता है ये न्यूक्लियर वॉर में बदल जाए, हो सकता है उसके ज़्यादा प्लेयर आ जाए, हो सकता है ईरान और इसराइल को बहुत बड़ा सब्सटेंशियल लॉस हो। तो आज की डेट में मेरा मानना है कि बिल्कुल राइप सिचुएशन है सीज फायर करने के लिए। नेतन्याहू साहब पूरा विन वाली सिचुएशन में, हमास खत्म है, हिजबुल्ला की लीडरशिप खत्म है, कम्युनिकेशन खत्म है, और आपने ईरान पे स्ट्राइक करके अपना बदला ले लिया। इससे ज्यादा आप अचीव करने की स्थिति नहीं है, और अमेरिका में इलेक्शन है, अमेरिका भी बिल्कुल शरदेंदु सर, और अगर इससे ज्यादा किया गया तो फिर पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो इस युद्ध की चपेट में आ सकता है, जो आपने बताया एक बहुत बड़ा खतरा सामने नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं, दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया गया, हिजबुल्ला के ठिकानों की तलाश तेज की जा रही है। इजराइल डिफेंस फोर्स और हिजबुल्ला के आमने सामने की जो जंग है वो देखी जा रही है, हिजबुल्ला के लड़ाकों के साथ गन फाइट हो रही है। तो आप देखिए दक्षिणी लेबनान जहां पर आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन लगातार, जो इजराइल डिफेंस फोर्स के जवान है वो आगे बढ़ रहे हैं, और जहां पर वो जा रहे हैं हिजबुल्ला का गढ़ ये है, वहां पर आमने सामने की जंग हो रही है, गन फाइट भी आमने सामने की हो रही है। जरा आप देखिए तस्वीरें किस तरह से, ईरान का बदला अकल्पनीय हमला होगा, जो 26 अक्टूबर को बदला लिया गया इसराइल की तरफ से हमला बोला गया, अब इसके बाद ईरान भी हमला करने की फिराक में। दावा क्या है, ईरान की सेना इसराइल पर हमला करने की तैयारी कर रही है, आयतुल्ला खामनेई के आदेश पर इसराइल पर हमले का नया प्लान तैयार कर लिया गया है। इसके संकेत क्या हैं, तो ईरानी सेना के प्रमुख की इसराइल को हमले की धमकी सीधे तौर पर, और ये
छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि सबसे प्रमुख ने यह धमकी दिया। और देखिए हुसैन सुलेमानी ने क्या क्या कहा, इसराइल ने गलती की तो उसको सजा जरूर मिलेगी, और इसराइल ने अगर कोई भी आगे कदम उठाया तो हम आक्रमण करेंगे, कुछ मिसाइल हमले इतिहास को बदल देंगे, ये हुसैन सलामी की तरफ से अपने बयान में कहा गया है। यानी कि अभी भी इस तरह की चेतावनी इसराइल को दी जा रही है, हालांकि इसराइल के हमले लगातार हिजबुल्ला के ठिकानों पर जारी हैं और वो रुक नहीं रहा। और देखिए डीके पांडे सर, इसी को लेकर सवाल है, क्योंकि जो कहा गया है आईआरजीसी चीफ की तरफ से मेजर जो पॉइंट है, जो जिस पर ध्यान देने वाली बात है, वो ये बोल रहे हैं कि जो हमला होगा ईरान का वो इसराइल की कल्पना से भी अलग होगा। आखिर क्या कर सकता है, किस लेवल तक जा सकता है ईरान, क्या आपको समझ में आ रहा है इस बयान से? देखिए महत्वपूर्ण यह है कि अभी हमने जिक्र किया कि किस प्रकार से नेतन्याहू साहब ने बोला कि वो न्यूक्लियर एसेट्स पर हमला कर सकते हैं और वो किसी के अनुमान में नहीं है जो हमला किया जाएगा। तो दोनों तरफ से जो है लगभग समान जो है पोस्टरिंग हो रही है, और वहाँ की जो मैसेजिंग है लोगों के लिए कि हम तैयार हैं सब करने के लिए। साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है ईरान का, हुती हिजबुल्ला, ये लगातार अटैक अपना बनाए हुए हैं, और कल 90 प्रोजेक्टाइल्स जो है रात को 12 बजे के आसपास की जो खबरें हैं वो उसमें उन्होंने अटैक किया और उसमें काफ़ी जो है जानो माल की नुकसान हुआ। साथ में इसके प्रत्युत्तर में जो है इसराइल ने लॉन्च किया, 10 स्ट्राइक गई और आईआरजीसी ने 7 ड्रोन हमले भी किए, साथ में ये भी आंकड़े आ रहे हैं। लेकिन टारगेट क्या था इस बार, इस बार सदर लेबनान में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, टेररिस्ट जो उनके लोकेशंस हैं, और अजीज और रदमान जो उनके ग्रुप हैं हिजबुल्ला के जो उनके लिए काम करते हैं, उनके ठिकानों पर जो हमला किया गया। तो देखिए जो आगे क्या होगा थोड़ा सा अभी समय लगेगा, क्योंकि अभी जो एयर स्ट्राइक हुई है ईरान पर उससे उसको निपटना है, जो नुकसान हुआ है उसके डिफेंस सिस्टम्स में नुकसान हुआ है, पहले उसको ठीक करना होगा। तो अब अगले 3-4 दिन में कोई बड़ा हमला ईरान करे मेरे आंकलन के हिसाब से ऐसा संभव नहीं लगता। साथ में इसराइल भी कोई बड़ा आक्रमण करेगा नहीं लगता, क्योंकि जो उसके टारगेट्स हैं, पहले देखिए अप्रोच क्या चल रही है, अगर पूरा विश्लेषण करें एक साल का, तो हमेशा पहले इसराइली एयरफोर्स ने स्ट्राइक की है और उन ठिकानों को पहले जो है समाप्त किया है, जो कि ग्राउंड ऑपरेशन जो लेबनान में हो रहे हैं उनको किसी प्रकार का वो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर सकते हो। तो ये जो है बड़ा लिंक ऑपरेशन है, और साथ में जो ग्राउंड अटैक की जो टीम्स हैं अब जब आगे बढ़ रही है वो अभी सामने आमने सामने की लड़ाई में जो है अब शामिल हो रही है। जरूरी है कि उनकी सुरक्षा के लिए जो ऐसे सेंटर्स हैं, ऐसे ठिकाने हैं जैसे लॉन्च पैड्स हैं जहां पर कि हिजबुल्ला के लोग हैं सदर लेबनान में, उनको पहले नेस्तनाबूद किया, निष्क्रिय किया जाए। तो थोड़ा समय लगेगा जो जिसका जिक्र कर रहे हैं नेतन्याहू साहब या सलामी, लेकिन सलामी ये अभी मुझे मेरे हिसाब से 3-4 दिन कम से कम और लगेंगे, क्योंकि तैयारियां अभी पूरी नहीं हुई है। एक चीज तो बहुत साफ नजर आ रही है कि ईरान को लेकर जितने लिमिटेड ऑपरेशंस की अभी तक कोशिश की है इसराइल ने, उतना ही अनलिमिटेड हैमरिंग उनके प्रॉक्सीज को लगातार कर रहा है इसराइल। तो ये एक अलग सी नीति नजर आ रही है कि ईरान के साथ एक संतुलित टकराव रखें, लेकिन उसके प्रॉक्सीज को पूरी तरह से खत्म करने के लिए फुल स्केल पे ऑपरेशन जारी रखें। और देखिए लेबनान से इसराइल पर पलटवार, हिजबुल्ला ने हाइफा पर दागे हैं रॉकेट, एयर डिफेंस ने कई रॉकेट नष्ट किए हैं। तो ये एक और जानकारी सामने आ रही, एक और कोशिश हाइफा पर लगातार हमले की कोशिश होती रही है हिजबुल्ला की तरफ से, कुछ सफल हमले भी किए गए हैं हिजबुल्ला के द्वारा, और हिजबुल्ला ने फिर से हाइफा पर रॉकेट दागे हैं, एयर डिफेंस ने इन रॉकेट्स को नाकाम किया, ये दावा किया जा रहा है। बिल्कुल ये कोशिशें हिजबुल्ला की तरफ से लगातार जारी हैं। त्रिपाठी सर, एक थोड़ा सा ब्रॉडर सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि अगर इस पूरे वॉर में दुनिया के बड़े देश उलझते हैं तो क्या ये रूस यूक्रेन जैसा ही कोई वॉर ग्राउंड होगा, या फिर इसका नेचर बिल्कुल अलग होगा? क्या ईरान की स्थिति यूक्रेन जैसी है, या फिर ईरान उस सिचुएशन में नहीं है चाहे जितनी भी फ्यूलिंग चीन या रूस की तरफ से उसको मिले? देखिए मुझे नहीं लगता कि इस युद्ध में अभी बड़े देश चीन, रूस या अमेरिका डायरेक्टली कूदेंगे। हाँ, वो प्रॉक्सी कर रहे हैं, वो हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, ईरान को भी कर रहे हैं, उधर अमेरिका इसराइल को भी कर रहा है, लेकिन अभी स्थिति ऐसी नहीं आई है कि एकदम मिडिल ईस्ट पर विस्फोट हो जाए और सारे मतलब इसका। लेकिन ब्लिंक पे तो है, उसके बिल्कुल ब्लिंक पे है। जी ब्लिंक पे है, लेकिन ये अभी पोस्चरिंग का इसमें मामला ज़्यादा है, पोस्चरिंग की स्थिति ज़्यादा है, क्योंकि देखिए इसराइल भी मेरे ख्याल से ईरान के न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट पे हमला नहीं करेगा डायरेक्ट। हमला करने से पहले वो ये कोशिश करेगा कि ईरान के न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट जो हैं साइबर अटैक के द्वारा निष्क्रिय किए जाएं, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप हमला करते हैं तो इसका तो इसमें ये है कि
पॉसिबिलिटी ये भी है कि जरा सा कहीं चूक हुई तो रेडिएशन इतनी तेज़ी से फैलेगा कि फिर परेशानी हो जाएगी, और इसीलिए ईरान भी अभी इसराइल के न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट पे हमला नहीं करेगा। हाँ, ये कर सकता है इसराइल की ईरान के ऑयल डिपॉजिट्स पे हमला करे ताकि ईरान की अपनी डोमेस्टिक ऑयल सप्लाई कम हो जाए और उसके जो गाड़ियाँ बख्तरबंद गाड़ियाँ और सब हैं वो पैरालाइज हो जाएं, तो ये करेगा ईरान और इसके साथ ही इसराइल। और इसके साथ ही देखिए, इसराइल का शुरू से आप देखें, जैसा कि पांडे जी ने कहा है कि इसराइल एक एक करके अपने दुश्मनों को ख़त्म कर रहा है। पहले गाज़ा पर सारा फोकस था, अब लेबनान पे हिजबुल्ला पे सारा फोकस है क्योंकि गाज़ा पीछे चला गया, गाज़ा में कोई बहुत बड़े ऑपरेशन की अब ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए तुरंत बदला इसराइल ने नहीं लिया ईरान के पिछले उसका। अब अगर लेबनान में हिजबुल्ला को इतना कमज़ोर कर देगा इसराइल, तो इसराइल फिर आगे ईरान से दो हाथ करने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसी स्थिति आई है कि ईरान और इसमें इसराइल में डायरेक्ट युद्ध होगा या और विश्व की शक्तियां इसमें सीधे सीधे कूदेंगे। सीरिया की बात जहां तक रही, सीरिया में तो 10 साल से ऊपर हो गया ये चल ही रहा है गृह युद्ध, तो उसमें तो कोई समस्या नहीं। वो उस वहां पर इसराइल ने बॉम्बिंग की, पहले भी किया था, आपको याद होगा दमस्कस में ईरानी कंसुलेट को निशाना बनाया गया था। तो अभी इसमें समय है और हो सकता है तब तक जैसे कतर के या इजिप्ट के द्वारा या यूएस के द्वारा प्रयत्न हो रहे हैं कि कम से कम 2-4 दिन के लिए ही एक ट्रूस हो जाए, एक युद्ध विराम हो जाए, उसके बाद आगे देखा जाएगा कि कैसे किया जा सकता है। हालांकि अनुभव बड़ा बुरा रहा है, हमास के साथ एक हफ्ते का ट्रूस हुआ था लेकिन उसके बाद फिर से लड़ाई शुरू हो गई थी। बिल्कुल, ये कोशिश नजर भी आ रही है अमेरिका की तरफ से, हालांकि ये कितने मुमकिन हो पाएगी ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। ईरान ने बदले का प्लान तैयार कर लिया है इसराइल के खिलाफ। आयतुल्ला खामनेई के आदेश पर ये पूरा जो प्लान है वो तैयार किया गया ईरानी सोर्सेज से। न्यूयॉर्क टाइम्स का ये बहुत बड़ा दावा, टारगेट की लिस्ट को तैयार किया जा रहा है ईरान की तरफ से अमेरिकी चुनाव के बाद हमले की आशंका। और आप जरा कनेक्ट करिए वो बयान जो कि IRGC चीफ की तरफ से दिया गया कि इसराइल की कल्पना से भी परे हटकर यह हमला किया जाएगा, और दूसरी तरफ तैयारी की जो बात है वो ईरानी सोर्सेज के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की जो खबर वो सामने आ रही है। जी तो अगर दावे की बात माने और दावे पर विश्वास करें तो इसराइल में टारगेट फिक्स कर लिए गए और किसी भी वक्त क्या यह हमला हो सकता है, अब सवाल तो यही है। तीन बड़े दावे क्या हैं, सबसे पहले उस पर गौर करते हैं बिग बॉल के माध्यम से। तीन बड़े दावे क्या हैं, तो ईरान की इसराइल पर नए सिरे से हमले की तैयारी है, न्यूयॉर्क टाइम्स के सोर्सेज के हवाले से यह दावा किया जा रहा है, और खामेनेई का सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को यह आदेश आया है हमले का। 12 से ज्यादा टारगेट की लिस्ट तैयार की जा रही है जिन पर हमला होना है, जिन पर अटैक होना है। अब देखिए हमला कब होगा और वजह क्या, या आप देखिए कब होगा हमला। अमेरिका में चुनाव के बाद हमलों की आशंका है, यानी कि 5 नवंबर के बाद कभी भी हमला हो सकता है, और वजह क्या है, डोनाल्ड ट्रंप को फायदा ना हो इसलिए चुनाव के बाद हमले की तैयारी है न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से। ये अब खास बात आप समझिए, ईरान के 3 सैन्य अधिकारियों के हवाले से इस बात का दावा किया गया। खामेनेई ने इजरायली हमले की समीक्षा के बाद बदले का फैसला लिया है, ये भी दावा किया जा रहा है अभी तक कि जिस तरीके से ये सारा निर्णय या प्लानिंग ईरान की तरफ से की जा रही है उसमें देखिए कि अमेरिका के चुनावों का भी एक असर दिखाई दे रहा है, कम से कम सूत्र तो यही बता रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए संजय सोइसार, ये अपने आप में बहुत सीरियस है क्योंकि देखिए एक तरफ IRGC के चीफ की तरफ से जो वार्निंग दी गई, धमकाया गया उस बयान को अगर हम काउंट करें, और दूसरी तरफ जो ईरान की तैयारी, और ये तक डेट सामने आ रही है सोर्सेस के हवाले से कि 5 नवंबर के बाद यानी अमेरिका में जो प्रेसिडेंट इलेक्शन उसके बाद ये ईरान की तरफ से हमला किया जाए, क्या ये वक्त काफी है ईरान के लिए अपनी तैयारियों के लिए इसराइल के खिलाफ? नहीं बिल्कुल, करना ऐसा है कि बयान दोनों तरफ से आ रहे हैं। नेतन्याहू ने बयान दे दिया कि अगर इसराइल ईरान ने हमला किया तो बहुत भयंकर होगा, हमने टारगेट सेट कर लिए हैं, हम अभी नहीं छोड़ेंगे। इधर से ईरान ने भी बयानबाजी कर दी है, तो इस समय में बयानों में कोई पीछे नहीं रह रहा है। और ये कई बार मुझे लगता है कि डोमेस्टिक जो पॉपुलेशन इनकी अपनी जो जनता है उसके लिए भी है कि भाई हम तैयार हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम इनको बर्बाद कर देंगे, हम क्यों। लेकिन सर ईरान ने तो किया भी है ना, 1 अक्टूबर का हमला हमको याद है, ईरान ने ऐसा नहीं किया भी है।
बिल्कुल, देखिए ऐसा कि ईरान की तो है तैयारी, इसमें कोई शक नहीं है। इसराइल भी तैयार बैठा है, ईरान भी तैयार बैठा है, लेकिन इस समय में बयान ज़्यादा आ रहे हैं। और हमला कब होगा, जो एक जो आप आकलन लगा रहे थे, ये भी बात सही हो सकती है, क्योंकि 5 नवंबर जो इलेक्शन के लिए ही काफ़ी हद तक इसराइल को भी कंट्रोल किया गया था कि आप ऑयल इंस्टॉलेशन पे, न्यूक्लियर पे या बाकी जगह हमला नहीं करेंगे, एक लिमिटेड हमला करेंगे, और ताकि ईरान का उसके ऊपर रेस्पॉन्स ज़्यादा तेज ना आए। ये और ईरान ने भी क्या दिया, कोई खास हमला नहीं हुआ। ये सब इलेक्शंस का एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल आप जो सही कह रहे हो, न्यूयॉर्क टाइम्स की जो बात है, इसमें ये दम हो सकता है कि तैयारी है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ईरान जो कर रहा है बार बार, जो चाहे हिजबुल्ला के द्वारा, हुती के द्वारा, वो कौन हमले करवा रहा है कि अल्टीमेटली तो दिमाग सारा ईरान का ही है। आज जो इसका नया चीफ बना है हिजबुल्ला का, वो भी ईरान में बैठा हुआ, वहाँ पे उसके प्लानिंग का डिस्कशन कर रहा है। सर एक बहुत दिलचस्प, जो न्यूयॉर्क टाइम्स के सोर्सेज से जो जानकारी हमने दर्शकों तक दी, उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात कही गई कि 5 नवंबर के बाद हमला करेंगे, कहीं इससे ट्रंप को फायदा ना हो जाए। पहले हमले, ट्रंप का जीतना या हारना इस वॉर में कितना मतलब क्रिटिकल, महत्वपूर्ण है, क्या उसके प्रभाव हैं ट्रंप के चुनावी कैंपेन पर, इस युद्ध में शामिल देशों के नेताओं की नजर क्यों है? देखिए, जैसे टाइम एंड अगेन ट्रंप ने बोला हुआ है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो एक नई दिशा मिलेगी इस पूरे मिडिल ईस्ट में और रशिया यूक्रेन वॉर में। वो देखिए, उनकी जो पॉलिसी है वो इंक्लूसिव इनवर्ड लुकिंग है, वो फॉर अमेरिका बाय अमेरिका उस फिलॉसफी में बिलीव करते हैं। वो नहीं चाहते कि अमेरिका के रिसोर्सेज किसी भी तरीके से इसराइल में या फिर रशिया या यूक्रेन में डाइवर्ट किए जाए। तो पहला उनका मकसद यह है कि अमेरिका को इतना संपन्न बना दिया है, अमेरिका के पैसे अमेरिका में रहें, इस तहत वो उनकी पॉलिसी है। लिहाजा युद्ध किस दिशा में जाएगा डिपेंड करता है कि रिपब्लिकन्स अगर आते हैं पावर में तब। अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो डेफिनेटली हमास और इसराइल की जो लड़ाई चल रही है, ईरान और इसराइल में जो टेंशन है, उसमें डिफरेंट लेवल पे जाएगा। लेकिन ट्रंप तो कहते हैं कि मैं जीता तो युद्ध रुकवा दूंगा, तो ये तो ईरान के लिए अच्छा है कि वॉर रुक जाए, ये तो रूस के लिए भी अच्छा है कि वॉर रुक जाए। डेफिनेटली पूरे विश्व के लिए अच्छी बात है। इसीलिए आज की डेट में दोनों फ्रंट पे देखे लोग बड़े हसरत भरी निगाह से देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर पावर में आएंगे तो इस रीजन का होगा क्या। रिजल्ट देखिए, रशिया को भी बहुत नहीं मिला है, वो 4 स्टेट में आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और जहां तक इसराइल का सवाल है, वो आज भी नॉर्थ गाजा में स्ट्राइक कर रहा है क्योंकि वहां रीग्रुपिंग चल रही है हमास की। सर ये एक बात क्लियर है कि ये देखना होगा कि 5 नवंबर के इलेक्शन के बाद कौन आता है, रिपब्लिकन यानी कि डोनाल्ड ट्रंप आते हैं एज अ प्रेसिडेंट या फिर कमला हैरिस डेमोक्रेट्स आते हैं एज अ प्रेसिडेंट। ये अपने आप में बड़ा सवाल है, उसके बाद ही तय हो पाएगा कि युद्ध किस तरफ जाता हुआ रुख करता नजर आएगा। एक और बड़ी खबर, इराक से इजराइल पर भी ड्रोन अटैक किया गया, ईरान समर्थित प्रॉक्सी ने किया हमला, इजराइल ने हमलावर ड्रोन को नष्ट किया है, एयर डिफेंस ने डेड सी में ड्रोन गिराया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, तो देखिए ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अभी तक हमने देखा कि किस तरह से जो हमले हैं वो लेबनान से, गाजा से या फिर ईरान की तरफ से, लेकिन हालांकि यमन से भी हमले हुए, लेकिन यहां पर एक और फ्रंट खुलता हुआ नजर आ रहा है, इराक से भी इसराइल पर ड्रोन अटैक किया गया, ईरान समर्थित जो प्रॉक्सीज हैं, क्योंकि देखिए जहां से भी हमले हो रहे हो प्रॉक्सी गुठी कर रहे हैं, चाहे फिर वो सीरिया का एडवांस फोर्स हो या तमाम दूसरे प्रॉक्सीज, तो ईरान समर्थित जो प्रॉक्सीज है उन्होंने इराक से हमला किया है इसराइल पर। तो देखिए तेहरान का प्लान इराक, जी हाँ, कैसे ईरान जो इराक का इस्तेमाल कर रहा है अरब में, क्या ये महाविनाश का इंडिकेशन है, समझिए अब रणनीति क्या है, पहले इसे देखना जरूरी। ईरान ने इराक से हमले का जो प्लान है वो बनाया प्रॉक्सीज के जरिए, इसराइल पर इराक से हमले की आशंका है, और देखिए हुआ है ऐसा ड्रोन अटैक, प्रॉक्सी संगठनों के जरिए बदले का जो प्लान है वो ईरान की तरफ से बनाया गया है, एक्सियोस की तरफ से ये जो सोर्स है वो जानकारी दे रहे हैं। अब इराक से हमला आखिर क्यों, दरअसल इसराइल से पलटवार ना हो इसलिए इराक से जो अटैक है उसकी संभावना बहुत ज्यादा है, प्रॉक्सी संगठनों का भी इसलिए इस्तेमाल लगातार ईरान कर रहा है। अब अटैक कैसे होगा यह आपके लिए समझना जरूरी है, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की बहुत बड़ी तैयारी है। अब खास बात आप समझिए, इसराइली खुफिया सोर्सेस के हवाले से एक्सियोस की जो रिपोर्ट है वो सामने आई, यानी कि एक एक करके तमाम जो प्लेयर्स हैं वो यहां पर शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। डीके पांडे सर, सवाल मेरा आपसे यह है कि जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे थे कि अगर यह जो युद्ध है वो अनकंट्रोल हुआ तो पूरा जो मिडिल ईस्ट है सुलग सकता है, तो क्या जो हालात है वो इसी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि यमन से हमला देखा, लेबनान से हमले हो रहे हैं, गाजा से हमला हुआ और अब इराक भी इसमें कूद रहा है, वो बात अलग है कि भले वो प्रॉक्सी कर रहे लेकिन एक कंट्री और शामिल तो हो रही है ना।
देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना कि हमला किसने किया ईरान के क्षेत्र से। ईरान में विस्थापित जो प्रॉक्सीज हैं ईरान के, जो कि हिजबुल्ला के कुछ लोग वहां पर गए हुए हैं, तो वो वहां से उन्होंने उसको लॉन्च करने का कोशिश किया। ये दो उसके उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो ये है कि अगर वो हिजबुल्ला के प्रतिनिधि वहां से हमला करते हैं तो कितना सफल होगा, दूसरा और उसकी क्या पहुंच है, और दूसरा कि किस प्रकार से इराक को वो जबरदस्ती खींच सकते हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान दें शुरू से ही, तो पिछले एक वर्ष में जो सातों देश हैं आसपास के इसराइल के, उनमें से केवल लेबनान और ईरान ही जो है सक्रिय हुए हैं। बाकी देश जो है वो वेट कर रहे हैं कि आगे कुछ हो तो करें। और कई देशों ने तो साफ मना किया है कि उनके वायु क्षेत्र को उसमें कोई उसका वॉलेशन नहीं होना चाहिए और उनके जमीन को कोई उस किसी प्रकार में यूज नहीं करना चाहिए। तो ये बताता है कि जो है ईरान थोड़ा सा अलग थलग पड़ा हुआ है, वो किस प्रकार से उसके पड़ोसी देश उसका मदद करें उसका एक प्रयास है। लेकिन कहना यह होगा कि जो इंटरसेप्ट किया गया है इसराइल के द्वारा, कि जो बहुत जल्दी ही ईरान प्लान कर रहा है एक बड़े ड्रोन अटैक की, ये इसमें ये कहा जा रहा है कि लगभग 1000 ड्रोन जो है वो, देखिए उद्देश्य है कि आयरन डोम को किस प्रकार से सैचुरेट किया जाए और जो है उनके उस आगे पहुंचा जाए। साथ में क्योंकि उनके कई एयर डिफेंस सिस्टम पिछले एयर स्ट्राइक में जो डिस्ट्रॉय हो गए थे, उनकी जगह नए एयर डिफेंस सिस्टम भी उन्होंने डिप्लॉय किया है। जुबिन एक नया सिस्टम बनाया है जो कि ईरानियन का आयरन डोम कहा जा रहा है, और वो क्लेम कर रहे हैं कागजों पर तो कम से कम क्लेम कर रहे हैं कि वो आयरन डोम से बेहतर है। तो ईरान अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहा है कि वो मजबूत हो। सर इसराइल के लिए तो बहुत प्रेडिक्टेबल है कि एक स्वार्म अटैक हो, एक सैचुरेट करने के लिए डिफेंस को इस तरह का अटैक हो, तो बहुत ही नेचुरल प्रेडिक्शन है इसराइल का। फिर यही कदम कैसे ईरान उठाना चाहेगा? देखिए इसराइल की जहाँ तक बात है कि निश्चित वो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि समझ पाना कि अटैक किस दिशा से आएगा। तो ये जो है उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं लगी हुई हैं कि क्या कौन क्षेत्र में तैयारी कर रहा है। लेबनान में, साउदर्न लेबनान में हम सब जानते हैं कि ग्राउंड ऑफेंसिव भी चल रहा है, साथ में जो है एयर स्ट्राइक भी की जा रही है, सीरिया पे भी अटैक किया गया। और ईरान के ऊपर अभी जो आपने बयानबाजी देखी, वो कह रहे हैं कि 12 हमने जो है टारगेट उसकी लिस्ट बना ली है। जो देश अटैक करता है वो घोषणा नहीं करता कि हम कहाँ अटैक करेंगे, ये एक गुप्त प्लान होता है। और एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो कि बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है किसी भी ऑपरेशन का, चाहे वो लैंड ऑपरेशन हो या एयर ऑपरेशन हो, उसका उद्देश्य खत्म हो जाता है अगर आपने अनाउंस कर दिया। तो अभी निश्चित रूप से कम अज कम एक हफ्ते जो है पोस्टरिंग का ये खेल चलता रहेगा, बयानबाजी होती रहेगी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि छोटे जो प्रॉक्सीज का अटैक हो रहा है ड्रोन से या दूसरे तरीके से, वो ही जारी रहेगा। बाकी ईरान खुल के स्ट्राइक करेगा इसराइल के खिलाफ या इसराइल प्रत्युत्तर देगा एयर स्ट्राइक के रूप में, अभी लगभग एक सप्ताह तक, इस बीच में चुनाव भी समाप्त हो जाएंगे और यह भी क्लियर हो जाएगा कि किस दिशा में यह मिडिल ईस्ट का ऑपरेशन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और थोड़ा समय जरूर लगेगा क्योंकि अभी तक बयान बड़े बड़े आ रहे हैं, लेकिन हमला किस तरफ से और किधर होगा यह थोड़ा सा अभी भी एक सवाल बना हुआ है। और देखिए हिजबुल्ला का आईडीएफ पर पलटवार, लड़ाकू विमानों पर हमले की कोशिश, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से निशाना बनाया और इसराइल ने नाकाम किया है पलटवार। जी हां, इसराइल की तरफ से इस हमले की कोशिश को नाकाम किया गया, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से निशाना बनाया गया लड़ाकू विमानों को टारगेट करने की कोशिश। और इसराइल और ईरान की जंग में अमेरिका और रूस के हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, ईरान को रूस हथियार दे रहा है, तो इसराइल को अमेरिका से वेपन्स मिल रहे हैं। इसराइल के पास अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान है, इससे टक्कर लेने के लिए ईरान को रूस Su-35 फाइटर जेट देने जा रहा है, और इसराइल के पास अमेरिका का F-16 फाइटर प्लेन है, इसे काउंटर करने के लिए ईरान चीन से J-10 लड़ाकू विमान लेने की कोशिश में लगा हुआ है। एयर डिफेंस की बात करें तो इसराइल में अमेरिका ने अपना थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया, वहीं रूस ने ईरान में अपने सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की तैनाती कर दी है। इसराइल की सुरक्षा अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी कर रहा है, इसी तरह ईरान की सुरक्षा रूस का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम कर रहा है। मतलब इसराइल और ईरान दोनों देशों के पास सुपर पावर के हथियार मौजूद है। यही वजह है कि अरब में अब विनाशक हथियारों से महायुद्ध का खतरा बढ़ गया है, यानी कि जिस बात की आशंका त्रिपाठी सर हम थोड़ी देर पहले जता रहे थे कि बड़े देशों महाशक्तियों का इन्वॉल्वमेंट और कम से कम हथियारों की सप्लाई तो यही संकेत दे रही है कि यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है, यह सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी शुरुआती तौर पर जो हथियार मिल रहे हैं इनकी संख्या बढ़ेगी और जैसे जैसे बढ़ेगी यह टकराव भी बढ़ेगा। देखिए ये हथियार तो मिलने की संख्या आप सही कर रहे हैं कि ये अभी शुरुआत है, रूस की ओर से भी अमेरिका की ओर से दोनों पक्षों को, युद्धरत देशों को, युद्धरत पक्षों को हथियार मिलेंगे। S-400 अभी मिला है, S-300 मेरे ख्याल से, S-300 का जहाँ तक मुझे याद है कि अभी हाल में रिपोर्ट आई थी कि इसराइल ने S-300 के सिस्टम को कई जगह पे
तबाह कर दिया और ये दिखा दिया कि इनविंसिबल नहीं है। अब एस फोर सिस्टम से ठीक है, इसराइल की एस फोर सिस्टम और जुबिन अगर एक नया सिस्टम है जैसा कि पांडे जी बता रहे थे, तो मेरे ख्याल से इसराइल की प्रतिरक्षा प्रणाली बड़ी अच्छी हो जाएगी। लेकिन अब इस सब में जैसे देखिए इराक की जहाँ तक बात है कि इराक की एंट्री हो सकती है कि नहीं, इराक में कुछ ईरान समर्थित हैं, लेकिन क्या है कि इराक में अमेरिकन बेस है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इराक से बहुत ज़्यादा कुछ इक्का दुक्का हमलों के अलावा कुछ हिजबुल्ला या हमास के स्तर तक के हमले हो पाएंगे। तो और अभी सारे देश जो हैं बिल्कुल सर, और देखिए इसमें एक ये बात भी किसी से छुपी नहीं है जो चर्चा हम शुरुआत से रूस यूक्रेन वॉर की शुरुआत से भी करते आए हैं कि इसमें एक सबसे ज्यादा जो फायदा जिसको हो रहा है वो है डिफेंस कंपनीज की जो लॉबीज हैं, जो हथियार कंपनियां उनकी जो लॉबी, उसको एक बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ आप सभी खास मेहमानों का अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक ब्रेक का है, तुरंत हाजिर।